हे गाइस, आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल और आज मैं आपको सिखा रही हूँ इंस्टेंट फेयर कैसे हो सकते हैं, पूरा टैनिंग कैसे निकाल सकते हैं एक ही एप्लीकेशन में, और वो भी घरेलू चीज़ों से। तो आपके घर में जो इजीली अवेलेबल होती है वो सारी चीज़ें लेके मैं आपको एक पैक बनाना सिखाऊंगी और उससे आप एक ही एप्लीकेशन से पूरा टैनिंग निकाल सकते हैं और फेयर हो सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा 50% आपकी स्किन एकदम क्लीन हो जाएगी, सारे दाग धब्बे लाइट दिखने लगेंगे। तो उसका पैक बनाना स्टार्ट करते हैं और ये सारी चीज़ें हमें घर में ही मिल जाएगी, आपको बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्किन के लिए टोनर हो जाएगा, आपकी स्किन की मतलब रिंकल्स रहेंगे तो वो भी हो जाएंगे, और लड़कियों के लिए पिंपल्स रहेंगे तो पिंपल्स भी क्योर हो जाएंगे। आपको हफ्ते में एक बार ये वाला पैक बना के घर पे लगा लेना है। आप दो बार भी अप्लाई कर सकते हैं, वीक में दो बार करोगे तो आपको कोई भी फेयरनेस क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बेकार का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत अच्छे से घर पे ही अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये वाला पैक ना आपको रात को लगाना है, रात को लगा के 10 मिनट्स के बाद वॉश करना है, सिंपल वॉश करना है। तो सिंपली वॉश कर लोगे, पर थोड़ा सा उसको पानी से ही वॉश करोगे, पर वो जो एप्लीकेशन रहेगा ना फेस पे रात भर, उससे आपका मॉर्निंग में उठने के बाद आप जो त्वचा देखोगे तो इतनी खिली खिली और एकदम फेयर दिखेगी स्किन, पूरा टैनिंग चला गया रहेगा और बहुत अच्छे से क्लीन हो गई रहेगी। तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं फेयरनेस पैक बनाना। तो फेयरनेस पैक बना आपके पहले आप चलिए आपके फ्रिज में, ताकि अपने को फ्रिज में ये सारी चीज़ें मिल जाती है। इसमें मुझे लगेगी ककड़ी, और ककड़ी इन द सेंस ककुम्बर एंड टोमेटो जो मेरे फ्रिज में अवेलेबल है, और मुझे लगेगा थोड़ा सा रवा और थोड़ी सी हल्दी और चने का आटा, और मुझे लगेगा थोड़ा सा कच्चा दूध जो इसको मिक्स करने के लिए। रवा इसलिए लेती हूँ मैं कि ये एक स्क्रब का काम करेगा फेस पे, और थोड़ा सा हम जब अप्लाई करेंगे तो सारे डेड सेल्स रहेंगे स्किन के, और पिंपल्स के जो वाइट हेड्स रहेंगे वो सारे निकल जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा रवा यूज करेंगे। और ककड़ी टोनर का काम करेगी, अपनी स्किन को टोन करेगी, स्किन टॉनिक का काम करेगी वो। और टमाटर है, वो टमाटर अपने को स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट देगा। और हल्दी और बेसन तो आप जानते ही हैं कितना अच्छा है स्किन के लिए। तो चलिए गाइस, हम बनाते हैं पैक, और आप ये घर पे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, एक बार करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आपकी स्किन कैसी हुई। तो गाइस, मैंने जैसे आपको बताया उसी तरह से मैंने लिया है रवा, बेसन, चने का आटा, और ये ककड़ी कद्दूकस किया है, टमाटर कद्दूकस किया है, और दूध लिया है। तो ये है मेरा सिंपल सा पैक बनाने का मेथड। तो इस पैक को हम बनाएंगे, और ककड़ी को कद्दूकस कर दिया है, टमाटर को कद्दूकस कर दिया है मैंने, और कच्चा दूध मिक्सिंग के लिए। तो चलिए हम ये इस कटोरी में अब पैक बनाते हैं। ओके, तो हम उसमें डालेंगे पहले तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स और दूध, और उसे मिक्स करके एक पैक बनाएंगे। तो गाइस, इस तरह से मेरा पैक बन के रेडी है। अब मैं इसको फेस पे अप्लाई करूँगी, और फेस पे अप्लाई करने के बाद उसको 10 मिनट्स लूँगी। तो इतना गाढ़ा ही रखने का है हमें, क्योंकि हमने ककड़ी को ककुम्बर को कद्दूकस किया था और टमाटर भी कद्दूकस किया था, तो उसका थोड़ा सा पानी निकलता है और थोड़ा दूध मिलाया है हमने। तो इस तरह से हम उसको फेस पे अप्लाई करेंगे और 10 मिनट्स के बाद वॉश करना है।
ये हमारा पैक प्रॉपरली रेडी है। आपने इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है, इस तरह से रखनी है गाइस। ये पैक इतना कारगर है, आपकी फेस से पूरा, स्किन से पूरा टैन निकल जाएगा और बहुत अच्छा इफेक्ट देता है ये। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पूरा पैक आपने फेस पे स्क्रबिंग करना है। इससे आंखों के नीचे की झाइयां भी पूरी चली जाएगी, जो कालापन रहता है आंखों के नीचे वो भी चला जाएगा। इस तरह से आपको थोड़ी देर स्क्रबिंग करना है 5 मिनट्स तक। ताकि उसका पूरा पोर्स के अंदर सब, इसमें हमने रवा डाला है तो रवा से इसके पूरा स्क्रबिंग का इफेक्ट मिल रहा है। बहुत अच्छे से स्क्रबिंग करना है आपने और 10 मिनट्स ऐसे ही छोड़ देना है और इसको सिर्फ पानी से साफ कर लेना है और ऐसे ही रात भर छोड़ देना है ताकि वो हल्दी का और इसका इफेक्ट इस बना रहे रात भर। और मॉर्निंग में देखिए आपकी त्वचा कितनी चमकदार बन जाती है। तो गाइस, अब 10 मिनट्स हो गए हैं और मैं इसको साफ कर लेती हूँ स्पंज से। मुझे पोछने को दिल नहीं हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इसका स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। देखिए अब भी स्किन कितनी क्लीन हो गई है। गाइस, रवा की वजह से पूरा स्क्रबिंग हो जाता है और जो हमने ककुम्बर और टमाटर को कद्दूकस किया था उसके भी जो रेसे रहते हैं उसकी वजह से भी हमारा फेस पूरा डेड स्किन पूरी निकालने में हेल्प होता है। तो देखिए गाइस, मेरा फेस एकदम क्लीन लग रहा है, सारे आपके दाग धब्बे झाइयाँ सब साफ हो जाएगा। और इस तरह से आपको वीक में 2 बार करना है। और अब ये मैं ऐसे ही इसको एज इट इज़ रहने दूंगी, ज़्यादा इसको क्लीन नहीं करूँगी, सिर्फ पोछ लूँगी नैपकिन से और फिर मॉर्निंग में इसका इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा आ जाएगा। तो गाइज, आप घर पे एक बार ट्राई करके देखिए और अगर आपको अच्छे से सारा टैनिंग निकल जाता है 1 एप्लीकेशन में ही, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइए। बाय बाय, गुड नाइट। तो गाइस, अभी मैंने अपना फेस पोछ लिया है और आप देखिए मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। और ये मॉर्निंग तक और भी इसमें हल्दी था, बेसन था और रवा था, तो वो मॉर्निंग तक और भी ग्लो करेगा और उसका इफ़ेक्ट मॉर्निंग तक फेस पे रहने वाला है। तो कल फिर हम देखेंगे कि मेरे फेस पे कितना फर्क हुआ है। मुझे तो अभी एकदम क्लीन लग रहा है, सारे दाग धब्बे ब्लेमिशेस सब चला गया है और स्किन एकदम टाइट लग रही है फेस की। अब इसी तरह से मैं फेस को पूरी रात रहने दूंगी। मैंने पानी से धो डाला है और इसका गाइस स्मेल भी इतना अच्छा आ रहा है ना, हल्दी का, और उसका स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है और अच्छा लग रहा है और स्किन मुझे एकदम टाइट लग रही है। पूरा मेरा पिगमेंटेशन भी लाइट लग रहा है, एकदम से बहुत अच्छा लग रहा है, क्लीन हो गया है स्किन एकदम से।
तो गाइस आप हफ्ते में एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर से देखिए, आपकी स्किन में पूरा 50% सुधार आ जाएगा, स्किन एकदम साफ हो जाएगी, पूरा टैनिंग निकल जाएगा। तो मिलते हैं मॉर्निंग में और देखते हैं कैसा लग रहा है फेस मेरा। गुड नाइट फ्रेंड्स। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है और मैंने शावर ले लिया है, तो देखिए अब मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और मैंने कुछ भी नहीं लगाया है स्किन पे गाइस, जो रात को मैंने पैक लगाया था वही है और बाकी कुछ भी नहीं लगाया है मैंने स्किन पे, सिर्फ लिपस्टिक लगाई और काजल लगाया, मतलब सिंदूर लगा दिया, सिंदूर लगाया और बिंदी लगाई है, बस उतना ही किया है। पर मेरा फेस, मुझे स्किन मुझे इतनी सॉफ्ट और अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ये पैक ज़रूर से ट्राई करिएगा और वीक में एक बार करोगे तो स्किन बहुत अच्छी और बहुत मस्त हो जाएगी। तो ज़रूर से आप ये वाला पैक ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते रहेंगे आगे आगे। बाय, आई लव यू गाइज़।